यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि चतुर्भुज के जितना भी प्रकार है ना, उन सभी प्रकार को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप चतुर्भुज के सभी प्रकार को एक ही वीडियो में और बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप चतुर्भुज के सभी प्रकार को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वो भी ध्यान से बिना भगाए हुए देखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो देखिए, चतुर्भुज का परिभाषा यह होता है कि चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार गो रेखा खंड से। अब रेखा खंड किसे कहते हैं, तो देखिए, यह जो है ना, एक रेखा के टुकड़ा को ही रेखा खंड कहा जाता है। जैसे कि देखिए, इस तरह से एक हम रेखा खींच रहे हैं, इधर भी यह बढ़ सकता है, इधर भी यह बढ़ सकता है, तो यह रेखा हो गया। लेकिन इसी में से एक टुकड़ा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लिया, तो यह रेखा का एक खंड हो गया, इसी को कहा जाता है रेखा खंड। ठीक, तो चतुर्भुज का क्या परिभाषा है कि चार रेखा खंडों से। चतुर्भुज में कितना रेखा खंड होता है, तो चतुर्भुज में चार वो रेखा खंड होता है। तो चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह एक रेखा खंड हो गया, यह दो गो हो गया, यह तीन गो हो गया, और यह चार गो रेखा खंड हो गया, और इससे घिरी हुई यह जो बंद आकृति बनी है ना, इसी को कहेंगे हम चतुर्भुज। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चतुर्भुज। अब देखिए, इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी डी। अब इसे शॉर्टकट में लिखना होगा या फिर पढ़ना होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम इस तरह से लिख देंगे शॉर्टकट में, एक छोटा सा चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे और इसका नाम लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी। इस तरह से चतुर्भुज का नाम लिखा जाता है। चतुर्भुज का मुख्य पहचान क्या है, तो चतुर्भुज में चार गो रेखा खंड होता है और आपस में बंद रहता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो देखिए, आयत का परिभाषा यह होता है कि वैसा चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा अंदर का सभी कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे ही आयत कहेंगे। तो देखिए, आयत का चित्र इस तरह से बनता है। यह कह रहा है ना कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए, एक चतुर्भुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यह भुजा इतना लंबा है, इसके नीचे वाला भी भुजा इतना ही लंबा होना चाहिए, आमने सामने की भुजा एक समान होना चाहिए, और इधर का भुजा इतना है तो इधर का भी भुजा इतना होना चाहिए। इस तरह से आयत का चित्र होता है। अब मान लीजिए, यह जो है ना 10 सेंटीमीटर है ना, यह भी 10 सेंटीमीटर है, यही इसका परिभाषा कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और यह मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है ना, यह भी कितना है, यह भी है 5 सेंटीमीटर। यही इसका परिभाषा होता है आयत का, कि आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा अंदर का प्रत्येक कोण, यहाँ पर यह जो कोण बन रहा है ना, अंदर का सभी चारों कोण, यह कितना डिग्री का होता है, तो चारों कोण होता है 90 डिग्री का। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री के कोण। तो आयत क्या है, तो आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा से कहने का मतलब कि यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, तथा अंदर के सभी कोण समकोण होता है, उसे ही आयत कहते हैं। इसके अंदर जितना भी कोण है सब कितने डिग्री का है, सबका सब 90 डिग्री का है। ठीक, अब हम समझते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा यह है कि वैसा चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, तो वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा अंदर का सभी कोण समकोण या 90 डिग्री का हो, उसे ही वर्ग कहते हैं।
देखिए वर्ग और आयतना दोनों लगभग एक ही जैसा है, लेकिन इन दोनों में अंतर यह है ना कि आयत में आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक इतना ही अंतर है। तो अब हम वर्ग का चित्र बनाएंगे तो देखिए वर्ग का चित्र इस तरह से बनता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर हो गया यह भुजा, यह तो पहले आप जानते हैं कि चतुर्भुज है तो चार गो भुजा रहेगा। अब वर्ग है तो वर्ग का परिभाषा क्या है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो मान लीजिए कि यह जो है 5 सेंटीमीटर है ना, तो यह भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यह भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यह भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है ना उसे ही वर्ग कहा जाता है। और इसमें भी वह कंडीशन है कि इसके अंदर का सभी कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, यह कोण भी 90 डिग्री का है और यह कोण भी 90 डिग्री का है। तो जब भी आप लोगों को वर्ग का चित्र बनाना होगा ना तो ऐसा चतुर्भुज का चित्र बनाइएगा जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और अंदर का सभी कोण 90 डिग्री का हो। यदि ऐसा चतुर्भुज रहेगा तो क्या होगा वह होगा वर्ग। ठीक हम समझते हैं कि सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका परिभाषा यह है कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इसका ना परिभाषा वर्ग से मिलता जुलता है। वर्ग का परिभाषा क्या है, तो वर्ग का परिभाषा यह है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन अंदर की जो आमने सामने की कोण है ना वह आपस में बराबर होनी चाहिए। सभी कोण बराबर हो यह कोई जरूरी नहीं है। इसका क्या कंडीशन है, तो इसका यह कंडीशन है ना कि आमने सामने की कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूँ, यह कह रहा है ना कि जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। यह भुजा इसमें हम इस तरह से भी खींच सकते हैं। देखिए मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि एक वर्ग में और एक सम चतुर्भुज में क्या अंतर है। देखिए जो वर्ग होता है ना वह भी सम चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज न वर्ग नहीं हो सकता है। इसको जरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यह एक सम चतुर्भुज है जिसमें यह भी 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 है, यह भी 5 है और यह भी 5 है। लेकिन देखिए इसमें सभी कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए यह वर्ग नहीं है। लेकिन इसके आमने सामने की कोण बराबर है, कहने का मतलब कि यह वाला जो कोण है ना उतना ही डिग्री का यह वाला भी कोण है और यह वाला जितना का कोण है ना उतना ही डिग्री का यह वाला भी है। मान लीजिए कि यह 20 का है ना तो यह भी 20 का है और यह 10 का है तो यह भी 10 का है। यानी कि आमने सामने की कोण आपस में बराबर होनी चाहिए और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे सम चतुर्भुज। अब देखिए एक वर्ग भी सम चतुर्भुज हो सकता है, कैसे, तो देखिए वर्ग का परिभाषा क्या है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा सभी कोण 90 डिग्री का हो। ठीक, तो यह सभी भुजाएं आपस में बराबर है 5 5 5 5, और जब इसका सभी कोण 90 डिग्री का होगा तो इसका भी आमने सामने की कोण बराबर हो जाएगा ना, यह इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए एक वर्ग भी सम चतुर्भुज होता है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एक बार और सम चतुर्भुज की परिभाषा को समझ लीजिए कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर हो उसे ही हम सम चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, अब हम यह समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। तो देखिए इसका परिभाषा यह होता है कि वैसा चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समांतर हो उसे ही समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए कोई भी ऐसा चतुर्भुज ले लीजिए जिसकी मात्र दो भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज है, इसकी यह वाला भुजा और यह वाला भुजा आपस में समानांतर है,
इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का मुख्य पहचान क्या है कि इसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए। इसमें जो है ना ये भी भुजा जो है यह समानांतर है किसके, यह है सी डी के समानांतर है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। अब देखिए दूसरा भी चित्र इसका बन सकता है, इस तरह से भी हम इसका चित्र बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह वाला भुजा और यह वाला भुजा आपस में समानांतर है और यह इस तरह से है, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। इसमें देखिए एक मैं लिख देता हूँ सी डी और एक ए बी, तो यह वाला जो ए बी है ना, यह वाला भुजा इस वाले भुजे का क्या है, यह है समानांतर। समानांतर से कहने का मतलब क्या, तो ऐसी भुजा जिसे कितना भी आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी न काटे, उसे ही समानांतर भुजा या समांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब हम समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो देखिए इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो, उसे ही समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है और इसकी यह वाला भुजा, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यह चतुर्भुज है, इसकी यह जो भुजा है ना ये भी, यह सी डी के समानांतर है। यहाँ पर दो कंडीशन है, आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए समानांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा है, यह समानांतर है सी डी का, और ए सी जो भुजा है यह समानांतर है बी डी का। ठीक, तो इस तरह से कोई चतुर्भुज रहता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो, उसे ही समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यह वाला भुजा इस वाले भुजा का समानांतर है और यह वाला जो भुजा है ना, इस वाले भुजा के समानांतर है। तो इस तरह के चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, तो इस तरह के चतुर्भुज को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज।